हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और वीडियो में। और दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रहा है, तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ सरेह में, क्योंकि दोस्तों कल का ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, इधर कुटी कटाया ये पूरा है, तो पुराना वाला पूरा थोड़ा सा बच गया है। 25 मिनट कटाया, तो 25 मिनट और पुराना वाला रहने दिए खाने के लिए। ऐसे खाता है ना भैंस, चबाता है रात में, सुबह में, तो इसके लिए इतना रहने दिए पुराना वाला। अब पुराना वाला भैंस को खाने में अच्छा लगता है, तो इसलिए पूरा थोड़ा सा रहने दिए। और 25 मिनट में जितना कटाया उतना कटवा दिए। और आ जाए हैं इसको ढोने, तो चलते हैं ढोने। दोस्तों साइकिल लेकर आए हुए हैं, और साइकिल पर जो है ना साड़ी का भांगा बनाए हुए हैं सिलाई करके, तो उसी में ढोएंगे। और अभी आ चुका हूँ ढोने कुट्टी को, तो देखते हैं आज कितना बजे तक सारा कुटी ढोआता है कि नहीं ढोआता है। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, पता चल जाएगा। आज 25 जनवरी है, तो आज जुलाई कर लेते हैं, कल 26 तारीख से फिर ये स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी अकेला ही आया हूँ, और पिताजी भी आने वाले हैं, तो वो उठाएँगे, उठा उठा करके रखेंगे, मैं ढुलाई करूँगा। तो ऐसे करके बारी बारी से ढोते हैं पूरे दिन में, देखते हैं कितना ढोआता है, पूरा ढोआता है कि नहीं ढोआता है। चलिए फिलहाल वो भंगा में उठा करके मैं ढोता हूँ, पिताजी आएंगे तो उठाएंगे, मैं ढोऊंगा। तब तक अभी नहीं आए हैं, तब तक मैं एक भंगा उठा करके लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों एक भंगा उठा लिया, देख सकते हैं, एक भंगा उठा लिया, और इसको अब बांध लेते हैं। इस सबको ऐसे सरिया करके चारों तरफ से, और इसको बांध लेते हैं, बांध करके और साइकिल पर लोड करते हैं। अभी भंगा में उठाया हुआ था वो अच्छे से बांध लिया मुंह को, और साइकिल पर लोड कर लिया हूँ। और दोस्तों अभी चलते हैं घर पर ले करके, और पिताजी अभी घर पे ही हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही भांगा एक और बनाना था, तो वही सिलाई भांगा को सिलाई कर रहे थे। तो मैं जब तक आ गया हूँ, एक सिलाई हो गया था, तो मैं आ गया हूँ उठाने, तो उठा के अभी जा रहा हूँ। पिताजी आएँगे तो उसमें पैक करेंगे, तब तक मैं इसको रख के आऊँगा। तो चलता हूँ दोस्तों, लेकर चलता हूँ इसको, और मिलते हैं घर पर, ये सबको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उतार दिया ले करके, और भूसा मट्टी वाला है, तो उसको निकाल के बाहर कर रहे हैं, माइक बाहर कर रही है। और अंदर में जो है ना कुटी रखे हैं, यहाँ पे अंदर में कुटी रखे हैं, और भूसा थोड़ा सा वो है, और ये भूसा सब है, तो ये सब मट्टी वाला है, तो इसको निकाल के साइड कर देते हैं, और कुट्टी को रखेंगे यहाँ पर जहाँ पर खाली जगह है। ये पूरे जगह में आते हैं, लेकर आते हैं फिर। आ चार के रास्ता ले जाइए, तो बांध के लगे तो 4 किलो रख लिया भंगा को, और चलते हैं लाने फिर। तो दोस्तों अभी चल रहा हूँ, और चलते हैं ऐसे, पिताजी चल गए हुए हैं, उठा लिए होंगे, तो चलते हैं। मैं लोड करूँगा साइकिल पर और लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों भंगा में तो कसा गया होगा। चलिए दोस्तों ये भी लोड हो गया, ये तीसरा बार लेकर जा रहा हूँ, 3 बार हो गया, तो चलते हैं इसको रख के आते हैं। तो दोस्तों अभी तीसरा बार धो लिया, 3 भंगा ढोया है, देख सकते हैं 3 भंगा में इतना कुटी हो गया। अभी चलते हैं लाने फिर। और दोस्तों टाइम हो गया है अभी 9:30, तो चलते हैं एक बार और लेकर आते हैं, उसके बाद में खाना खाएँगे। तो दोस्तों चलते हैं, अभी 10:30 हो गया है, ये लेकर चलते हैं मोटा, उसके बाद में खाना खा के आएँगे तो ढोएंगे, इसको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों 6 बार ढो लिया, आज 10:30 हो गया, अभी अभी देखते हैं इतना ढोया है, इतना देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं खाना खाने, खाना खा के फिर ढोएंगे, खाना खा लेते हैं उसके बाद में। दोस्तों अभी खा रहे हैं, देख सकते हैं, और इधर सरवन भी खा रहा है अभी,
दे सकते हैं, साथ में हमारे साथ खा रहा है। और श्रवण भी गया हुआ था, ये श्रवण, और फिर चलेगा। बाबा उठाता है तो ये मुंह पकड़ता है भांगा का, तो अभी खा के फिर चलते हैं। बहू के ले चली हो बहू? हाँ। ठंडा इसे ठंडा है। दोस्तों अभी खाना खा लिए, टाइम 11 बज गया, इधर साइकिल लगा हुआ है, चलते हैं लेकर के। खाना खाए हैं तो हम लगने लगा है, चादर ओढ़ लिए, चलते हैं धोते हैं 11 बजे से। अभी आ गया इधर कुट्टी जहाँ पे है वहाँ पे पहुँच गया, और इधर श्रवण भी आया है मेरे साथ में साइकिल पर, इधर साइकिल लगा हुआ है, तो चलते हैं कसते हैं दोस्तों। और देख सकते हैं श्रवण उठा रहा है टोकरी में, चलते हैं इसमें कस लेते हैं और कस करके लेकर के चलते हैं। पिताजी आएंगे तो उस वाले में उठाएंगे, उस वाला में, तो पहले इसमें कस के लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों कस लेते हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद पहला बार लेकर जा रहे हैं कुट्टी, तो चलते हैं दोस्तों। ये खाते नहीं आ रहा है, मोबाइल पकड़ते हैं और साइकिल चलाते हैं तो दिक्कत हो रहा है। चलिए दोस्तों फिलहाल इसको लेकर चलते हैं और ढोते हैं। कितना बजे तक पूरा ढोता है? लगभग आधा से अभी थोड़ा ज़्यादा है, अभी ढोने का आधा से अभी कम ढोया है, 11 बज चुका है, फिलहाल ढोते हैं। दोस्तों अभी 1 बज रहा है और लगभग आधा हमारा कुटी ढोआ गया, और इस समय जो है ना थोड़ा थोड़ा लग रहा है धूप आ गया है, लेकिन ठंडा उतना ही है। फिलहाल चलते हैं ढोते हैं, आधा तो ढोआ गया, 1 बज रहा है अभी, देखते हैं पूरा कितना बजे तक ढोआता है। पूरा ढोते हैं फिर मिलते हैं। तो अभी 2:45 हो गया है और अभी देख सकते हैं कितना ढोआ गया, इतना सारा ढोआ गया, देख सकते हैं यहाँ तक ना पूरा ढोआ गया है। और वहाँ पे 3 से 4 मोटा और होगा, इस भांगा से 3 से 4 भांगा और होगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या भांगा होता है, कितना बजे तक होता है। अभी 2:45 हो रहा है, 3 बजने वाला है, देखते हैं कितना बजे तक पूरा कंप्लीट होता है। चलते हैं लेकर के। और इधर देखिए कृष्णा भी लाई खा रहा है। कृष्णा अभी खाई है, लाई खा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो चलते हैं ढोते हैं, देखते हैं कितना बजे तक पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी 4:30 हो रहा है और अभी पूरा हो गया कंप्लीट, लास्ट है, लास्ट भांगा है, तो इसको लेकर चलते हैं। देख सकते हैं इधर पूरा खाली हो गया, तो अब चलते हैं लेकर के। 4:30 बजे पूरा ख़त्म हुआ है, तो चलिए इसको घर पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, और दोस्तों मैं लगातार काम किया हूँ, लगातार ढोने से जो है ना धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ढुलाई किया है, सारा ढोआ गया। तो यही होता है दोस्तों, ना फास्ट चलो ना स्लो चलो, मीडियम में चलते रहो तो मंजिल आ ही जाता है, और मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। तो यही हुआ है दोस्तों, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार ढोए हैं तो पूरा ढोआया हुआ पूरा कम्प्लीट हो गया है। वहीं पर थोड़ा सा अगर ढील देते तो फिर रह जाता है, नहीं ढोआता, लेकिन ढीले नहीं है, लगातार ढोते ही रह गए हैं। आखिरकार सारा ढोआ गया, लास्ट है, लेकर चलते हैं। एक छैंटी है, टोकरी इसी से उठा उठा करके इसमें पिताजी डाल रहे थे, तो हो गया। चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर पे। और पिताजी दोस्तों चले गए हैं जय काटने, बोले हैं कि मैं जय काट के आता हूँ, आप लेकर चलिए साइकिल। तो बोले हैं कि चलिए, हमको ही बोला है कि चल हम अभी छी काट ले, तो चलते हैं हम लेकर के, पिताजी जय काट के आएंगे। चलिए दोस्तों घर पे मिलते हैं। खाली दोस्तों घर आते थे 5 बज गया, और अभी सारे को खाली कर दिया, भांगा इधर है और एक इधर है, और अंदर का भी दिखाते हैं, इतना कुटी हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए इसको लेकर के चल के लगा देते हैं आंगन में साइकिल को, और उसके बाद में हाथ पैर सब धोते हैं। देख सकते हैं कितना पारा हुआ कुट्टी का, चलते हैं हाथ पैर सब धोते हैं। तो दोस्तों अच्छे से फ्रेश व्रेश हो गया, मुँह हाथ पोछ लिया, और पूरा पारा हुआ था कुट्टी का सारा हटा लिया, साफ कर लिया। और अभी दाढ़ी भी मेरा बढ़ चुका है, अभी
तो आज दाढ़ी नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे दाढ़ी। और दोस्तों चलते हैं, ठंडा लग रहा है, चादर ओढ़ लेते हैं और चलते हैं खाना खाते हैं। भूख बड़ी तेज से लगा है तो चलते हैं खाना खाते तो हैं। अभी खाना कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है, अभी लाई खा रहे हैं, देख सकते हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए, और उसके बाद में रोटी बनेगा तो फिर रोटी खाएंगे, अभी फिलहाल लाई खाते हैं, मुरही का लाई है, देख सकते हैं। चलिए खाते हैं। अभी मैं खाना वाना खा लिया, रोटी वोटी खा उखा के, और अभी आ गया हूँ बिस्तर पर, और चलता हूँ दोस्तों सोने। कढ़ी रोटी और सब्जी खाया हूँ, तो आज का खाना हमारा यही था। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग।